दोस्तों, अगर आप भी कप्तान हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल को एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल और अर्शदीप सिंह ने उड़ाए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के परखच्चे। मैन ऑफ द मैच बने यशस्वी जायसवाल। भारत ने जीता 10 विकेट से चौथा T20 मैच। दोस्तों आपको बता दूं, दूसरी ओर सिमरन हेडमायर ने लगा दिया अपना अर्धशतक। चलिए जानते हैं पूरे मैच की हाइलाइट्स। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेला गया है। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पर 178 रनों का स्कोर खड़ा किया। दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज फेल होते नज़र आए। वहीं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते आए सिमरन हेडमायर ने 39 गेंदों में 61 रनों की एक अच्छी पारी खेली। आपको बता दूं कि अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा विकेट लेते हुए 3 विकेट लिए। वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। आपको बता दूं, जवाब में उत्तरी टीम इंडिया ने जायसवाल का डेब्यू कराने के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत करते नज़र आए। दोस्तों आपको बता दें कि उनका साथ देते हुए सुमन गिल नज़र शानदार इनिंग का प्रदर्शन किया उन्होंने। आपको बता दूं, दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में भारतीय टीम के लिए 50 रनों की साझेदारी की। वहीं दोस्तों सलामी बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए और उड़ा दिए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के परखच्चे। दोस्तों रोने लगे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज। भारत ने जीत लिया 10 विकेट से चौथा T20 मैच और मैन ऑफ द मैच बने यशस्वी जायसवाल।